हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से। अल्लाह आप सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानी खत्म करें। आमीन सुम आमीन। सो ये व्लॉग मैंने बहुत दिन से वो दिन का मिक्स है क्योंकि मैंने बहुत दिन से अपलोड नहीं करी थी। तो ये मेरे भाई लोग आए थे, जब हम लोग जा रहे थे उनके लोग की ग्रॉसरी करने, तो हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट डिपो, फिर यहाँ से सब हो गया, उसके बाद हम लोग निकल गए थे। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी जगह गए थे, दो तीन जगह कुछ ऐसी मेरे भाई के घर के लिए सामान देखना था, उधर गए हम लोग। और बस रेस्टोरेंट डिपो का तो मैंने नहीं ली थी ज़्यादा, और यहाँ आ गए थे हम लोग को कुछ सामान लेना था दूसरी जगह। फिर यहाँ हम लोग ने थोड़ी सी वीडियो बना लिए थे और हम लोगों का काम भी हो गया था। और उसके बाद फिर हम लोग घर पे गए, और घर पे मैं थोड़ी सी एमन की वीडियोस बनाई थी, मैं आप लोग को बताती हूँ। वो एमन को तैयार की थी, तो एमन को तैयार होकर वीडियोस उतारना था, तो उसकी थोड़ी वीडियो उतारी थी। लग गया एडिटिंग के साथ है तो ऐसा लग रहा है। तो बस एमन भी माशाल्लाह खुश हो गई थी, उसको रेडी करके वीडियो उतारो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वैसे मैं उसको रेडी करती नहीं, बहुत कम करती हूँ, बट ये माशाल्लाह खुश हो गई थी। और उसके बाद फिर हो गया था नेक्स्ट डे, तो यहाँ हो गया था नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग थी, मॉर्निंग नहीं थी, आफ्टरनून थी। और एवन की बातें आप लोग सुनो। लाइक इट ब्रोकली, यू वांट यम, डू गुड जॉब लाइक दिस, लाइक यू लाइक इट, डू लाइक एंड यू लाइक कैरेट, सो आई विल ब्रिंग, देन यू विल ईट। तो आफ्टरनून के टाइम में थोड़ा क्लाइमेट बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं थोड़ा आ गई थी बैल्कनी में। बहुत टाइम से बैल्कनी में नहीं आई थी, तो मैं चलो थोड़ा सा क्लाइमेट अच्छा है, तो एमन मुझे बाहर से देख रही थी। और उसके बाद फिर मैं गई थी, हाँ हम लोग जा रहे थे लाइक मेरे भाई के यहाँ जाने वाले थे हम लोग, तो ये आफ्टरनून का टाइम था। फिर हम लोग रेडी हुए उसके बाद, और उसके बाद रेडी होकर मैं मेरे भाई के यहाँ गई थी, क्योंकि भाई ने बोले थे वहीं लंच भी कर लेना, डिनर भी, तो हम लोग यहाँ रेडी हो गए थे। मेरे भाई का बेटा इधर ही था, वो हम लोग के साथ जाने वाला था, तो फिर बस हम लोग निकले और हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे ऊबर का। तो हम लोग की एक उबर हो गई थी कैंसिल, और दूसरी के लिए हम लोग वेट कर रहे थे लाइक 15 से 20 मिनट हम लोग नीचे ही लाइक वेट कर रहे थे, और मैं बहुत थक गई थी, तो मैं आके थोड़ा सा यहाँ बैठ गई। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग की अल्हम्दुलिल्लाह उबर आ गई थी, बट 10 से 15 मिनट बैठना पड़ा हम लोग को, और बच्चे लोग भी यहीं वेट कर रहे थे। ये सब मेरी क्लिप्स 3-4 दिन की मिक्स है, तो मैं बोली चलो आप लोग से एक साथ ही शेयर कर दूँ। फिर हम लोग आ गए थे घर पे डायरेक्ट, और अभी हम लोग बैठ गए थे लंच करने। लंच माशाल्लाह बहुत अच्छा था, यम्मी था। और उसके बाद फिर हो गया था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे भी डायरेक्ट मैं मेरे भाई लोग भाई के वहीं थी, मैं आपको बताती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे की है लाइक रात की है, तो मेरी भाभी ने फैसल के लिए स्पेशली बिरयानी बनाए थे, तो हम लोगों को बुलाए थे, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। और फिर उसके बाद लाइक उसके एक दिन पहले मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली थी, उतनी ली थी। और ये नेक्स्ट डे नाइट से जैसे हम लोग आए थे इधर, फिर उसके बाद बिरयानी खाए लाइक डिनर करने के बाद, हम लोग थोड़ा सा हुक्का पी रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे फैसल की हॉलीडे थी। सो हम लोग फिर बैठे, फिर उसके बाद हम लोग इन्जॉय करे और फिर चले गए थे हम लोग घर पे। माशाल्लाह भाई और भाई की फैमिली आ गई है, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है कि लाइक कोई अपना आ गया है, क्योंकि इतने साल से, और मैं जब इंडिया में भी थी तो माशाल्लाह ये वाले मेरे भाई से मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी, मेरे सब भाई बहन से, लेकिन इनसे ज़्यादा अटैच थी। हम लोग का आना जाना बहुत होता था। फिर बस हम लोग घर पर आ गए थे, और ये नाइट टाइम था, तो ये हुरेन अपने रूम को लाइक सेट कर रही थी और रात को स्टोरीज़ पढ़ रही थी, तो उसने भी थोड़ी अपनी वीडियोस बना उतार ली थी। तो मैंने चलो माशाल्लाह अच्छा है कि अभी अकेली, हुरेन वैसे ज़्यादातर मेरे साथ ही रहती थी, बस अभी उसको अकेला रूम में रहना है, तो मैंने चलो ठीक है अच्छी बात है। सो वो स्टोरीज़ पढ़ रही थी, तो वो वीडियो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। बस फिर हो गया था एक नवा दिन वापस से शुरू। और अभी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइमेट अच्छे होते जा रहे, बारिश हुई थी बट क्लाइमेट अच्छा था। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से। अब सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानी खत्म करें। आमीन सो आमीन। सो अभी जा रही हूँ कॉस्को, कुछ सामान लेना है। तो कल मैं गई थी आप लोग को पता है मेरे भाई के घर पर, और आज अभी बज गए हैं शाम के 4:45, और मैं ब्लॉग अब 20 से शुरू कर रही हूँ। दिन भर कुछ भी नहीं बनाई, बहुत थकी हुई थी, और अभी आज बनाई थी दाल गोश, और अभी जा रहे कॉस्को, और कॉस्को से क्या क्या लेती हूँ फिर मैं आप लोग को बता। मेरी लाइट ख़राब, सिर्फ एक ही बल्ब चल रहा है और सब अंधेरा हो गया। इसके लिए मैं खास स्पेशली कॉस्को इसलिए भी जा रही हूँ क्योंकि सब बल्ब लेने हैं, और सिर्फ वो दो लाइट चालू है, बाकी सब बंद है। मैंने पहनी हूँ टी शर्ट, ये मेरी सिस्टर ने मुझे भेजे थे। सो फिर मिलते हैं कॉस्को में।
और नुमान कॉस्को चले गए थे और सब लेना था, लाइक घर की सब आइटम, ब्रेड, दूध, यही सब चीज़ें लेना था और स्पेशली बल्ब लेना था, मैंने आप लोगों को बताई, तो मैं बोली चलो सब सामान एक साथ आ जाएगा। और हम लोग कॉस्को गए थे, वहाँ मिल गए थे, मेरे भाई भाभी भी आ गए थे वहाँ, और उसके बाद उन लोगों को भी कुछ काम था, तो फिर हम लोग ने कॉस्को से सब सामान लिए, उन लोग ने भी सब ले लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए मॉल चले गए थे क्योंकि मुझे वापस आना था फैसल के साथ, तो हम लोग थोड़ी देर मॉल भी गए। बस यहाँ मैं शॉपिंग कर रही थी, बच्चों के फ्रूट्स और सब ले रही थी, क्रोसेंट। और कॉस्को में ऐसा होता है कि बल्ब बहुत अच्छे मिलते, लाइक 6 मिल जाते एक साथ, 6 या 8, और अच्छे प्राइस में मिलते, सो हम लोग कॉस्को से ही बल्ब भी ले लेते और अच्छा रहता है, वो चलते बहुत है। बस यहाँ सब शॉपिंग हो रही थी मेरी। और हाँ, आप सबको भी शबे महराज भी, वैसे तो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी शबे महराज की, बट आप लोग को फिर भी वापस से विश कर रही हूँ कि शबे महराज मुबारक। दुआओं में याद रखना, अभी सब बड़ी रातें आने वाली है, शबे महराज तो हो गई बट अभी सब बड़ी रातें माशाल्लाह शुरू हो जाएगी, शबे बारात आने वाली है, फिर शबे कदर, रमज़ान आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब खास तौर पर हम सब के लिए दुआ करना, मेरी पूरी फैमिली के लिए दुआ करना। तो ये हम लोग आ गए थे लाइट के सेक्शन में, तो बस हम लोग चेक कर रहे थे कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं, बहुत सारे अलग अलग थे तो समझ में नहीं आ रहा था, कोई सॉफ्ट वाइट था, कोई प्योर वाइट था, और मुझे लेना था प्योर वाइट, तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि कौन सा है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को मिल गया। और उसके बाद सब डन होने के बाद मेरी भी सब शॉपिंग हो गई थी और भाई भाभी की भी, फिर हम लोग बाहर निकल गए थे। ये मेरी भाभी है और आगे भाई चल रहे थे, तो हम लोग सब साथ में अल्हम्दुलिल्लाह निकले सब काम होने के बाद। उसके बाद फिर हम लोग अभी जा रहे थे मॉल में, तो बस आ गए थे मॉल, क्योंकि मॉल हम लोग वॉकिंग से ही आ गए थे, कॉस्को से सामने ही है मॉल, तो हम लोग वॉकिंग करते हुए आ गए थे। और मेरी नींद यहाँ हम लोग का वेट कर रही थी और मेरे भाई को कुछ चेंज करना था, लाइक उन लोग ने कुछ लिए थे तो उसको चेंज करना था, तो हम लोग यहाँ मेसिस में आ गए थे ऊपर, बट हम लोग का काम हुआ नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो शायद लाइक लेट हो गया था, इसके लिए चेंज नहीं हो सका। फिर हम लोग मॉल में घूमे थोड़ा बहुत और फिर हम लोग वापस से घर पे चले गए थे। और इंशाल्लाह इसके आगे जो लाइक अभी व्लॉग में यहीं ख़त्म कर दूंगी, मॉल्स में ही ख़त्म कर दूंगी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को यहाँ से ही कंटिन्यू करूँगी। ओके सो गाइस, अभी हमारा व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है, फिर मिलेगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, फिर मिलेगी इंशाल्लाह।